नमस्कार, मेरा नाम है हरपाल सिंह सोखी और मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ मालवानी प्रॉन्स फ्राई। बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रॉन्स जो है छोटे छोटे साइज़ के ले लें या बड़े साइज़ के, जैसे भी आपको मिलते हैं। सारे प्रॉन्स को मैरिनेट कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, नींबू का रस, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डाल के प्रॉन्स को अच्छी तरह से मिला लें। प्रॉन्स को मिलाने के उपरांत लगभग आधे से एक घंटे तक रखें ताकि ये मैरिनेट बढ़िया प्रॉन्स में मिल जाए। इसे यहाँ मैं रख लेता हूँ। जब तक प्रॉन्स मैरिनेट होते हैं, यहाँ पे मेरे पास है राइस फ्लावर। ये एक प्लेट में राइस फ्लावर ले लेते हैं और सेमोलिना सूजी। सूजी को लेके इन दोनों को मिक्स कर लेना है, राइस फ्लावर और सूजी को। और साथ ही साथ जिस किसी पैन में आपने बनाना है उसे गरम करके उसमें तेल डाल लें। अब ये जो प्रॉन्स हमने मैरिनेट किए हैं, ये लगभग आधे घंटे बाद इस राइस फ्लावर और सेमोलिना में हमने कोट करना है, इसीलिए इनमें डाल के एक एक करके डालें। इस तरह से ये जो प्रॉन्स है इन पे इस तरह से ये जो मिक्सचर है सेमोलिना और राइस फ्लावर का, उसे मिक्स कर लें और ऊपर से लगा लें। और इस तरह से लगाने के उपरांत आपने क्या करना है, हल्का सा प्रेस कर लेना है ताकि ये जो राइस और सेमोलिना का मिक्सचर है ये बढ़िया तरीके से लग जाए। हर एक प्रॉन को इस तरह से प्रेस कर लें। प्रॉन्स में जब अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए तो इसे शैलो फ्राई करना है। सारे प्रॉन्स को एक एक करके डाल लें और बढ़िया क्रिस्प शैलो फ्राई करें। बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है अपने प्रॉन्स को मैरिनेट करके ज़रूर रखना है, क्योंकि सारा जो फ्लेवर है, स्पाइसीनेस है, वो उस मैरिनेट से ही आएगा और सेमोलिना और राइस फ्लावर उससे क्रंचीनेस आएगा। तो आपने मैरिनेट ज़रूर करना है, क्योंकि बिना मैरिनेट के इस प्रॉन में मज़ा नहीं आएगा। मैरिनेट करके कोटिंग करिए और क्रिस्प फ्राई करिए। प्रॉन्स जब इस तरह से बढ़िया क्रंची हो जाएं, तो इन्हें पहले एक टिश्यू पेपर पे निकालें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सारा ये टिश्यू पेपर सोख कर ले। ये प्रॉन्स को टिश्यू पेपर पे निकालने के बाद इन्हें बढ़िया प्लेट पे सर्व करें और जल्दी सर्व करें ताकि ये जो क्रंचीनेस है वो गर्मा गर्म प्रॉन्स में ही रहेंगे और आप इसका मज़ा लें। किसी भी चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खाएं, टमाटो केचप के साथ खाएं, भाई किसी के साथ भी खाएं। मालवनी प्रॉन्स हैं तो थोड़ी तीखी चटनी हो, मज़ा आ जाएगा। तो आप भी किसी तीखी रेड चिली चटनी के साथ इस प्रॉन्स को सर्व करें।